ऐसा लगता है कि जंगल के अंदर सारे पेड़ जादू जैसे हैं, सारे पेड़ जैसे सुनहरे रोशनी पैदा करते हैं। कहा जाता है कि हर 60 साल के बाद ये पेड़ अमृत पैदा करता है। ये अमृत जैसे जिंदगी की रोशनी है। ये पेड़ एक जंगल में शक्ति की तरह है। इसकी ताकत की वजह से जंगल खूबसूरत और हरा भरा रहता है। हाँ, और उस दिन हम जानवर मिलकर खूबसूरत जश्न मनाते हैं। वाह, ये तो बहुत शानदार है। वो तो बस अमृत है, कुछ खास नहीं है। है बंटी, अमृत का स्वाद कैसा होता है? बहुत बढ़िया, ये बात पक्की है। और कहा जाता है कि अमृत तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। क्या सच हो जाता है? ठीक है, हम पेड़ की तलाश कल करेंगे। मुझे लगा तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। झूठी खबर, वो हर 60 साल में अमृत पैदा करता है, मैं इसे मिस नहीं करूँगा। बहुत अच्छा, चलो घर जाकर घूमने की तैयारी करते हैं। मेरी इच्छाओं का क्या हुआ? मिस्टर बिल्ला, हम लोग भी तैयारी करते हैं। यस बॉस। इतना समय क्यों लग रहा है? डब्लू, तुम्हारा हो गया? मैं आ रहा हूँ। एक मिनट रुको। अरे नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे और समय चाहिए। ये डब्लू भी ना, मैं हमेशा उसका इंतजार करता हूँ। परेशान मत हो लखा, हमारे पास वक्त है। समय ही तो नहीं है, हम उसे मिस नहीं कर सकते। बॉस, बॉस, सब कुछ तैयार है। बहुत बढ़िया, अब हम इंतजार करेंगे कि भालू जाल में फंस जाएं। वो जाल में कीड़े की तरह फंस जाएंगे। मम्मी, हमें और कितना समय लगेगा? मैं चलते चलते थक गया हूँ। मम्मी, बस थोड़ी सी देर, क्यों ना हम दोनों वहाँ तक के लिए रेस लगाएं? हाँ, जो जीतेगा उसे आइसक्रीम मिलेगी। क्या सच में? जब मैं कहूँगी तो शुरू करना। हाँ, करो। चलो नीलू, तुम कर सकते हो। मम्मी, मेरे लिए रुको। जल्दी आओ नीलू। हाँ, नीलू। रो मत बेटा, यहाँ आसपास कोई शिकारी है, चलो दूसरे रास्ते से जाएंगे। नीलू, मम्मा, वहीं रहो, मेरे पास मत आना। पर मम्मा, सुनो, कहीं छुप जाओ, जाओ। ये क्या है? बॉस, ये वो जानवर नहीं है। मुझसे दूर रहो शिकारी। शिकारी? मैं उससे कई बढ़कर हूँ। बिल्कुल सही। अमृत की खोज कर रहा हूँ। अमृत की खोज? क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? चलो ठीक है फिर, शायद ये तुमसे उगलवा ले। बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। अमृत के पेड़ तक कैसे पहुँचा जाए? बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं, हमें उन भालुओं की जरूरत नहीं। अमृत मेरा है। वो मम्मी को ले जाएंगे। मैं अब मैं क्या करूं? मिस्टर बिल्ला, चलो चलते हैं। बस। हे या मम्मी, मम्मी। डब्लू इतना धीमा है, हम पहले वहाँ पहुँच सकते थे। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ओए, कौन रो रहा है? उस तरफ चलो। तुम रो क्यों रहे हो? डब्लू, तुमने इसे डरा दिया। मैंने नहीं किया। तुमने डराया। मैंने नहीं किया। दोनों चुप रहो। हेलो नन्हे दोस्त, मैं काली हूँ और ये लखा, बबलू और डब्लू है। ओए, डरने की जरूरत नहीं, हम लोग अच्छे हैं। डब्लू, संभाल के। काली, काली, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो?
बात नहीं। अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नीलू है। ये कैसा नाम है? सुनो नीलू, तुम झाड़ियों के पीछे रो क्यों रहे थे? हम अमृत के पेड़ की तरफ जा रहे थे, पर कुछ हो गया। मुझे अमृत के पेड़ को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। चुप रहो, मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आ रहा है। बोला भालू भाई हमें जरूर रोकने की कोशिश करेंगे। हम क्रॉस करके ये ब्रिज गिरा देंगे और मुझे फिर अमृत का पेड़ जरूर मिल जाएगा। वाह बॉस, अब तो सचमुच कमाल हो। पता है, मगर हम वापस कैसे जाएंगे अगर हमने ये बर्बाद कर दिया तो? बहुत ही आसान है, क्या तुम्हें उड़ना नहीं आता? उड़ना मुझे? मिस्टर बिल्ला, मैं आ रहा हूँ। तब तक और जब मैं बाहर आया, मम्मी वो उन्हें ले जा चुके थे। वो खलनायक, वो जरूर गरम चौधर बिल्ला होंगे। अमृत के बारे में उसे कैसे पता? वो लोग तो सच में डरपोक हैं। तुम्हारी माम को वश में कर लिया। नीलू फिक्र मत करो, गनचंद को सिर्फ तुम्हारी मम्मी से रास्ता पता करना है और कुछ नहीं। ओए, काली सही कह रही है, चलो उन बदमाशों को रास्ते में पकड़ते हैं। हम मिलकर तुम्हारी मम्मी को बचाएंगे, ठीक है? सच में शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों वहाँ देखो, वहाँ एक पुल है, इसी रास्ते से हम अमृत के पेड़ तक पहुँच पाएंगे। देखो ओए, ये तो गरमचंद है। मम्मी मम्मी मत करो, हम उनके पास ले जाएंगे। अरे नहीं, वो पुल गिरा रहे हैं, जल्दी करो। अरे ऐसा बॉस, वो आ रहे हैं। अब क्या है? मैंने कहा वो आ रहे हैं। क्या, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं जाता हूँ, तुम ब्रिज काट दो। जल्द बॉस। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें अमृत तक पहुंचने नहीं दूंगा। समझदारी इसी में कि वापस चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें इसे नहीं ले जाने देंगे। तुम्हें चीजों को मुश्किल करने में मजा आता है, बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। वक्त आ गया तुम्हें सबक सिखाने का। क्या तुम्हें केला पसंद है? एक केला, ये मेरा नया आविष्कार है, नाचने वाला केला। ये तब तक तुम्हें नचाएगा जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते। बबलू, तुम एक जीनियस को नहीं हरा सकते, बुद्धू भालू। मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। समझो काम हो गया, बॉस खुश हो जाएंगे। तुम्हारी क्या, तुम ठीक हो? जरा ठहरो, हिलना मत दोस्तों। मिस्टर बिल्ला, ब्रिज को वापस उठाओ। यस बॉस। मैं फिसल रहा हूँ। खाली पकड़ी रहना, मैं कोशिश कर रही हूँ। जल्दी करो बिल्ला, जल्दी करो, पकड़े रहना। हे बबलू, क्या तुम मुझे फेंकोगे? हाँ क्यों नहीं। बढ़िया, हाय लखा, मदद के लिए शुक्रिया। मैं एक जीनियस हूँ, अब मैं जाके अमृत ढूंढता हूँ। मिस्टर बिल्ला पीछे आओ। बाय। डब्लू इसे पकड़ो। ठीक तो है ना? हाँ, शुक्रिया लखा, तुमने हमें बचाया। गरमचंद भाग गया और उसके पास नीलू की माँ है। मम्मी चिंता मत करो, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। गरमचंद सिर्फ अमृत पाना चाहता है। हम उसे लेने नहीं देंगे, उसे रोकना होगा। लेकिन पुल का क्या? वापस आकर हमें इसे ठीक करना होगा। हम उन्हें रोकने में नाकामयाब रहे और इसमें तुम्हारी गलती है। अब कोई गलती नहीं, हमें उनसे पहले अमृत ढूंढना होगा।
ओए, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल सही, ये तो न्यूज़ में भी दिया हुआ है। दोस्तों मालकिन ने अपना पप्पी खो दिया है और उसके लिए ये जंगल कितना बड़ा और खतरनाक है। तुम सही कह रहे हो, जंगल बड़ा है, वो कहीं खो जाएगा और इस बात से वो जरूर बीमार हो जाएगी। हाँ, पार्क के कर्मचारियों को भी सुराग नहीं मिला है। न्यूज में पप्पी की तस्वीर है और ये डॉग टैग है, ये बताता है कि ये महिला का है। वो कौन है? ये जानवर लोग भी ना बहुत बेकार गेम खेल रहे हैं। न्यूज में ये भी बोला गया है, जो भी उस पप्पी को ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम? ओए, पर रुको, मालकिन कौन है? क्या वो औरत है? हाँ, इस चित्र से पता चलता है कि पप्पी औरतों के साथ दादा अच्छे से रहते हैं और आदमियों का साथ थोड़ा कम पसंद करते हैं। पर हमको औरत कहाँ मिलेगी? मैं जाऊंगा, मैं तो लड़की से भी ज्यादा प्यारा दिखता हूँ, अब भी मुझे पसंद करेगा। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्यारी औरत यहाँ पर है। वैसे हमें किस तरफ जाना चाहिए लखा? चलो फैल जाओ, लेकिन भूलना मत इनाम मेरा है। तुम मत खो जाना, चिंता मत करो, मेरे पास ट्रैकर है। पप्पे, छोटे पप्पे, वो यहाँ पर भी नहीं है। गंदा है। मोजा, अब ये मेरा हुआ, ये तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तक कुछ नहीं मिला, अभी तक मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, सॉसेज, अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया तो वो मुझे जरूर ढूंढ लेगा। ऐसा कभी कभी हो जाता है। खाना। क्या वो लखा है? डब्लू, मेरे सॉसेजेस वापस करो। बाएं, दाएं, नहीं 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 नहीं, सीधा जाओ। चलो उस तरफ चलो। वो रहा खोया पप्पी। ये डॉगी के खिलौने यहाँ पर क्यों है? ये जाल हो सकता है, जाल में कुछ काला लगता है। डब्लू, चलो। जी 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 जी, उन्होंने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। रोको इसे, इसे तुम पकड़ो, मुझसे दूर रखो इसे। मुझसे दूर रहो। लगो, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर मेरा भी खींच लिया तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है। ये तुम मेरे लिए लाए हो। तुम चाहते हो मैं तुम्हें गोद में लूं? मेरे पास आ जाओ। मुझे लगता है वो अभी भी खेलना चाहता है। मुझे नहीं लगता इसे थकान के बारे में पता होगा। अपनी आंखें बंद करो। देखना नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। पकड़ लिया। नौ, आठ, छह, पांच, चार, तीन, दो, एक, मैं आ रहा हूँ। श्श,
यहाँ पर। नहीं रुको लक्का, तुम्हारे बाल और तुम्हारे कपड़े। अरे नहीं, ये तो पूरा हुआ। पप्पी वहां पर है, नन्हे पप्पी। वो सो रहा है, बच गया। तुम आगे चले डब्लू। रुको, कौन है वहां? तुम फिर से? ये पपी मेरा है, उसे नुकसान मत पहुंचाना। फिक्र मत करो, मैं इसे अभी सुला दूंगा और फिर बॉस के पास ले जाऊंगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। पपी मुझसे डर रहा है, इसे तुम ले लो। ठीक है। उसे हमें वापस दो। खड़े क्यों हो, भागो। बच के जाओगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या गोलियां खत्म? डब्लू, मैं पकड़ लूंगा। पप्पी कहाँ है? डिंग डॉंग। डब्लू, ए रुको, नहीं तो मैं तुम पे स्प्रे कर दूंगा। मुझे उसे वापस करो। ये लो। रुको, रहो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब हम आखिरी दांव के नजदीक आ गए हैं। तुम बहुत बोरिंग हो। मैं क्या करूं? लुक्का छिपी, मिस्टर बिल्ला। मेरी आंखें मत बंद करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे 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 मेरे पंख, अरे मैं गिर गया। मैं फिर से वापस आऊंगा। बिलो, काली, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मुझे तुम्हारी हालत पता है, क्या तुमने मुझे याद किया? मैंने नहीं किया। शायद थोड़ा सा। मैंने सबको याद किया, मुझे वो घास और हरे पेड़ और जानवरों की याद आई। तो तड़ा, ये तो कमाल का है। क्या तुमने जूल को बताया? हाँ, उसने मुझे भरोसा दिलाया है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस तरह जमीन पर सोते हुए मिलोगे। मुझे लगता है तुम अपना ख्याल नहीं रख पाओगे। ये इतना भी अच्छा नहीं है। लक्का, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। हटो। डब्लू, दूर हटो। काली, यहाँ सिग्नल अच्छा आ रहा है। मैंने मालकिन को मैसेज कर दिया है। हमने कर दिया। हे लक्खा, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? क्या वो पैसा है? क्या वो खाना है? लक्खा, तुमने यहाँ के सारे जानवरों का ख्याल रखा है और उनकी सेवा की है। ये पास है सेंट्रल जोन का। ये तो कमाल का है, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मुझे दो। चलो भी लक्खा, ऐसा मत करो। नहीं दूंगा, तुम तोड़ दोगे। क्या? नहीं, मुझे भी नहीं दूंगा। अच्छा बच्चू।
वाह 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 वाह।